नंबर 16 मैं चाहता हूँ आप खुद से एक बार ट्राई करें, ठीक है। बट जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो वो देखें, इसको मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ। 10 की पावर 4x का भी करा दिया था, कॉट की पावर 4x का भी करा दिया था। इंट्रोडक्शन प्लीज़ देखिए, ठीक है। तो 10 की पावर 4x का क्या होगा? 10 की पावर 4x को आप 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ये 10 स्क्वायर x को क्या करते थे हम लोग, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते थे, लिख सकते ना। टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है इंटू टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, फिर टेन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या करते थे, इसका इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x माइनस dx भी लगा दो भाई, मैं तो बार बार भूल जाता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाले टेन स्क्वायर x को फिर से हम लोग लिखते थे क्या, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर को आपने फिर से लिखा sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं अभी, sec स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x dx फिर माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए sec स्क्वायर x में ये माइनस मल्टीप्लाई कर गया तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, फिर माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इतने पोर्शन का tan को आप t पुट कर दीजिए। तो इतने पोर्शन के लिए हमने tan x को अगर t पुट कर दिया तो आपको पता है tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो अब आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक्चुअल में ये sec स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x है ना, तो sec स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x को आप टेन स्क्वायर x को पहले लिख लो और sec स्क्वायर x को बाद में लिख लो। तो sec स्क्वायर x dx की जगह आप dt रख सकते हो और टेन स्क्वायर की जगह आप t स्क्वायर रख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हो गया t स्क्वायर और sec स्क्वायर x dx क्या हो गया, dt हो गया, ठीक है। फिर माइनस, अब देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और x के कोफिशियंट से डिवाइड लगाएंगे, x का कोफिशियंट यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड लगाओगे तो tan x ही आएगा, ठीक है। प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के सेट में x होता है, ठीक है। प्लस c लगा दो, हालांकि भी इसका इंटीग्रेशन नहीं किया है, कर लो, क्या आ जाएगा, टी क्यूब बाय 3 और माइनस tan x प्लस x प्लस c, और t क्या आपका tan है ना, तो t क्यूब का मतलब ये हो जाएगा 1 बाय 3 इंटू t क्यूब मतलब tan क्यूब x, अपॉन में 3 का मतलब 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई है, माइनस tan x प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।